हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कभी भी नया सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ऑफिस 365 एडमिन में, तो आप अपना पर्सनल डोमेन कैसे आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू एट फर्स्ट। इट्स अ फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू। तो हम उसके लिए आज उसके बारे में आज सीखेंगे, तो डोमेन को कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद मैं आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट यूजर्स, कॉन्टैक्ट, गेस्ट, अकाउंट्स, इफ़ यू डिलीट एनी यूज़र, हाउ यू कैन रिस्टोर दैट यूज़र, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई विल टीच यू लेटर ऑन। बट उसके पहले हम लोग डोमेन कैसे ऐड करते हैं, हमारा कस्टमाइज डोमेन कैसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ये रन 24/7 विद ऑन microsoft.com, दिस इज़ अ डिफॉल्ट डोमेन दैट यू गेट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। सो हम लोग अभी हमारा पर्सनल डोमेन ऐड करेंगे, सो दैट माय ईमेल आईडी वुड बी लाइक amol@easyfirst.com, राइट। द इजी फर्स्ट इज़ माय डोमेन ऑलरेडी आई हैव, बट वो मैंने किसी और ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच कर दिया है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं अटैच कर सकता। सो यू नीड फ्रेश डोमेन जो आपने किसी भी माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच नहीं किया। तो मैंने, मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, तो मैं उसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने वो डोमेन ख़रीदा था विक्स जो एक डोमेन रजिस्ट्रार है, वहाँ से मैंने ख़रीद लिया था। तो आई हैव, लेट मी सी व्हाट इज़ द डोमेन नेम। ये मैं डोमेन ख़रीद लेता हूँ जस्ट फॉर टाइम पास, यू नो, डू समथिंग। या सो ईजी फर्स्ट security.com, या विच इज़ गुड नेम। सो मैं यहाँ पे उसको ऐड करता हूँ, ईजी फर्स्ट security.com, एंड देन आई जस्ट प्रोसेस। इसको प्रोसेस होने के बाद हमें अभी करना क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली दे टेल यू वन txt रिकॉर्ड, दैट txt रिकॉर्ड यू नीड टू ऑथराइज इन योर विक्स रजिस्टर। तो हमें अभी करना क्या है, सी नाउ वेरीफाई योर डोमेन। सो यू नीड टू ऑथराइज योर डोमेन, हाँ, जहाँ से आपने परचेस किया वहाँ से आपको ऑथराइज करना पड़ेगा कि यू कैन गिव द परमिशन टू माइक्रोसॉफ्ट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए नहीं, बट इट विल शो द ओनरशिप ऑफ दैट योर डोमेन। अदरवाइज कोई भी google.com को भी यहाँ पे ऐड कर देगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू प्रूव यू आर द ओनर ऑफ दैट डोमेन। तो हमें एड txt रिकॉर्ड टू डोमेन DNS रिकॉर्ड। सो व्हाट आई विल क्रिएट दिस। अदरवाइज यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस और भी है, यू कैन txt अगर रिकॉर्ड आपको, अगर आपका डोमेन रजिस्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है txt रिकॉर्ड ऐड करने के, देन यू कैन गो विद द MX रिकॉर्ड, विच इज़ अगेन हेल्पफुल, एंड वो एक स्टेप बच जाता है उससे कि यू डोंट हैव टू क्रिएट txt रिकॉर्ड एंड देन यू हैव टू क्रिएट MX रिकॉर्ड फॉर एक्सचेंज, तो वो बच जाएगा। बट यू कैन क्रिएट विद दैट, और यू कैन क्रिएट अ txt फाइल इन डोमेन वेबसाइट, अगर वेबसाइट आपकी होस्ट है तो वहाँ पे आप एक txt फाइल क्रिएट कर सकते हो, दैट दे विल रिकोगनाइज ओके ये लोकेशन पे है, और वहाँ से आप ये लोग माइक्रोसॉफ्ट दे विल रिकोगनाइज, दे विल अंडरस्टैंड यू आर द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट और डोमेन बेसिकली। सो वी विल गो विद द फर्स्ट बिकॉज दिस इज द इजिएस्ट, एंड देन आई विल शो यू हाउ टू ऐड द MX रिकॉर्ड एंड वॉट अदर्स रिकॉर्ड दैट यू नीड टू ऐड। तो हम लोग विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ऐड txt रिकॉर्ड टू द डोमेन DNS रिकॉर्ड, कंटिन्यू। सी ये MX रिकॉर्ड हमें मिल गया, ये MX txt रिकॉर्ड, तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। जस्ट मेक श्योर सी ऐट द रेट TTL 3600, तो ये हमें फिर विक्स रिकॉर्ड में जाना है। यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे मैनेज DNS रिकॉर्ड पे चला जाता हूँ। ये है वेबसाइट, यहाँ पे हम लोग, हमें जाके txt रिकॉर्ड, सो देर इज़ अ txt रिकॉर्ड, ऐड txt रिकॉर्ड, होस्ट नेम वैल्यू दिस, ऐट द रेट बाई डिफॉल्ट ले लेते हैं सब। तो यहाँ पे txt ऐड हो गया, txt रिकॉर्ड ऐड हो गया, देन विल गो बैक टू आवर साइट एंड वेरीफाई। Sometimes it takes a few minutes to verify that record should be populated globally. So sometimes it takes, sometimes, yeah, see, now it is continue. So continue. उसके बाद बाकी के जो records है exchange के related, online related,
वो सब रिकॉर्ड्स हमें ऐड करने हैं. बट राइट नाउ आई विल टेल यू दिस रिकॉर्ड व्हेन यू नीड टू ऐड व्हेन वी गो. और जब भी हम लोग एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे, हाउ टू सेट अप एक्सचेंज इन्वायरमेंट, दैट टाइम वी विल ऐड ऑल दिस रिकॉर्ड्स. बट राइट नाउ वील जस्ट कीप इट एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द डोमेन. कंटिन्यू फिनिश. डोमेन सेटअप डन. सो हमारे अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास दो डोमेन है. तो डोमेन इसका आपने वेरीफाई कर दिया है. तो अभी आप जब ये हम लोग यूजर बनाते जब भी हम लोग यहाँ पे यूजर देखेंगे, अगर आप कोई भी यूजर सुहास को ले लेते हैं, सुहास का ईमेल अकाउंट, और हम लोग यहाँ पे मैनेज ये देखते हैं. यहाँ पे जाएंगे तो अभी ये इसका मैं और एक अकाउंट बना सकता हूँ यहाँ पे सुहास डॉट जे एंड आई कैन ऐड दिस राइट. सी सुहास जे एट द रेट इजी फर्स्ट सिक्योरिटी डॉट कॉम. दिस न्यू ईमेल आईडी इज क्रिएटेड. सेव चेंजेस. आई एम सेविंग दैट. आई एम नॉट मेकिंग अ प्राइमरी दिस यूजर आईडी एज यूजर नेम एज अ प्राइमरी यूजर नेम. उसको हम लोग बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाउ यू कैन चेंज दिस टू अ प्राइमरी एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस टू एंड यूजर ऑल्सो. सी ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ पे चेंज करें देन यूजर विल नॉट फेस एनी इशू. ओके देर इज सम इशूज हैपन, सो वी नीड टू कंसिडर दैट ऑल्सो वेन वी चेंज. सो लेट इट बी लाइक दैट. एंड हाँ, तो आज हम लोग ने क्या जाना कि हम लोग ने जब भी फ्रेश ऑफिस 365 का इन्वायरमेंट हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू ऐड योर डोमेन, कस्टमाइज डोमेन. ये ऐसा दिख रहा है इसमें काइंड ऑफ अ वार्निंग मैसेज, देर इज नो सर्विस बिकॉज ये डोमेन अभी तक किसी सर्विसेज के लिए एसोसिएटेड नहीं है, ऑटो डिस्कवरी के लिए, या हम लोग ने इसको अभी तक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट नहीं किया है मिक्स रिकॉर्ड. सो दिस डोमेन इज जस्ट फॉर वी कैन जस्ट क्रिएट अ यूजर नेम विद दिस अकाउंट राइट. सो बस आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कि कॉन्टैक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, गेस्ट यूजर्स कैसे करते हैं, और कोई अपने यूजर अगर किसी ने डिलीट कर दिया तो उसको हम लोग रिस्टोर कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे. टिल द टाइम थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.